सर मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के अंदर क्या घटना हुई सर, डिटेल बता दें सर। आज शाम को 6 बजे नीम करोड़ी चौकी इंचार्ज मोहित मिश्रा अपने हमरा के साथ, जिनका नाम रविंद्र, दीपांशु और दीपक जो तीनों आरक्षी हैं उनके साथ में, नगला वाले मोड़ पर 3 सवारियों बिना नंबर प्लेट की चेकिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल आई, जिस पर सवार लड़कों के द्वारा जब उनको रोका गया, उनसे कागजात पूछे गए तो उन्होंने बोला कि अभी हम थोड़ी देर में कागज लेके आ रहे हैं, और अपने साथ में 20-25 लोगों को डंडों के साथ लेकर आए। और ये सभी लोग वहाँ पर जो फोर्स मौजूद था उनके ऊपर हमलावर हो गए, उन्होंने डंडों और एक पत्थर से उनके ऊपर हमला किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर मोहित मिश्रा, रविंदर, दीपांशु और दीपक जो तीनों आरक्षी हैं, तीनों को चोट लगी है। इसके संबंध में थाना मोहम्मदाबाद पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन सभी की पहचान कर ली गई है। इसके लिए 4 टीमें बनाई गई है, जल्दी इनको अरेस्ट किया जाएगा और आउट। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी क्षेत्र न्यूज खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। चेकिंग के दौरान बाइक पकड़े जाने पर गुस्साए लोगों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पिटाई से 3 सिपाहियों की हालत गंभीर, लोहिया अस्पताल में भर्ती। जनपद में चल रहा है ताबड़तोड़ बाइक चेकिंग अभियान। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी क्षेत्र। पुलिस किसी क्षेत्र में सक्रियता दिखाए या ना दिखाए, परंतु बाइकों की चेकिंग में पुलिस का कोई जवाब नहीं। जनपद में ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इन दिनों पुलिस रोड पर हर मोड़ पर, तिराहे चौराहे, यहाँ तक शहर के शॉर्टकट बाईपास पर भी पुलिस जबरदस्त तरीके से चेकिंग कर रही है। इस कार में सक्रियता के बारे में तो आप जानते ही होंगे, शायद नहीं तो सुने, मामले हाथों हाथ निपट जाते हैं। खैर, हम बात करते हैं कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम नीम करोरी नगला वाले मोड़ की। शाम को लगभग 6 बजे कोतवाली के उप निरीक्षक मोहित मिश्रा, सिपाही रविंद्र यादव, दीपक चौधरी व दिव्यांश के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। उसी समय बिना नंबर की बाइक पर सवार 3 युवकों को पुलिस ने रोक लिया। कोई कागजात न होने पर पुलिस ने बाइक सीज कर दी, जिस पर गुस्साए 3 युवक वहां से चले गए। परंतु आधा घंटे बाद तीनों युवक लगभग 2 दर्जन लोगों के साथ मौके पर पहुंचे, जिनके हाथों में लाठी डंडे थे। और उन्होंने मौके पर पहुंचते ही आओ देखा न ताओ कानून को अपने हाथों में लेकर पुलिस वालों पर हमला कर दिया और पुलिस वालों को लाठी डंडों से इतना पीटा कि सबकी हालत खस्ता कर दी। पिटाई से सिपाही रविंद्र का सिर व होंठ फट गया। दीपक चौधरी के सिर से खून की धार बहने लगी। दिव्यांश के हाथ में चोट आई, उंगली फ्रैक्चर होने की भी आशंका। दरोगा मोहित मिश्रा के पीठ पर डंडों के निशान बन गए। घायल पुलिस वालों को CHC पहुंचते चिकित्सक ने गंभीर देखी तो तीनों सिपाहियों को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही CO सौरावालम एवं इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने अस्पताल जाकर घटना की जानकारी ली। हड़बड़ाहट इतनी कि इंस्पेक्टर बिना वर्दी पहने हवाई चप्पलों में अस्पताल पहुंच गए। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि मैनपुरी के लोग नीम करोरी मंदिर में अन्नप्राशन के लिए आए थे। इसके अलावा नगला मुरान के लोगों को भी इस घटना में शामिल हो सकते हैं। खैर, पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। आप कहीं नहीं जाइए, आप देखते रहिए यूपी क्षेत्र न्यूज, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे दूसरी खबर के साथ। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी क्षेत्र न्यूज। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।